हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे के लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वो इसलिए क्योंकि इस साल इसी पैटर्न पे पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए सर, और ध्यान से इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन सीखना, सेकेंडों में निकालना सिखाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत है, आपका लिखा है टू टेंजेंट्स पी एंड टी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू। मींस आपसे यहां पे कह रहा है एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक एक्सटीरियर पॉइंट पी है, अब उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉन की, लेट सपोज ए, और दूसरा आपने ड्रॉन किया लेट सपोज बी, ठीक है भैया। आपने ये दो ड्रॉन कर लिए टेंजेंट। अब आपको पता भी है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉन करते हैं वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है, लेंथ इक्वल होती है, ठीक। तो इस तरीके से PA बराबर क्या होता है, PB होता है। अभी भाई साहब ने कहा कि आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, दैट मींस ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट O है, अब उस केस में इन्होंने कहा कि देन फाइंड आउट द एंगल POA। अब जरा देखिए PO मतलब ये लाइन हमें क्या करनी पड़ेगी, मीट करनी पड़ेगी, तो POA हमें ये एंगल क्या करना सर, ऑब्टेन करना है मेरे भाई बहनों। अब बात आई सर जी क्वेश्चन किस तरीके से निकालेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना होगा जब भी स्टेट पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉन करते हैं और ओपी जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर मींस क्या करती है, बाईसेक्ट ईच अदर होती है। क्या होती है सर, बाईसेक्ट। बाईसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देना, 40 डिग्री आ गया सर। कितना आ गया मेरे भाई, 40 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो है सर जी आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो टेंजेंट पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं सर जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर कितना होता है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अब हमें ये एंगल बताना सर, बताइए दो पता है तो तीसरा नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा ना भाई, कैसे एंगल मतलब क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल का कांसेप्ट, ट्रायंगल ट्रायंगल POA में बात कर लीजिए, POP या OAP में बात कर लीजिए। तो इस तरीके से 180 में से क्या कर देंगे मेरे भैया लोग, आप इन दोनों को जोड़, 90 प्लस 40 डिग्री, और इस तरीके से 180 माइनस 94 कितना होता है, 130 डिग्री, दैट मींस कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया सर, बोलो क्लियर। तो ऑप्शन सी क्या हो गया सर, राइट आंसर आपका बन गया, बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी मेरे भाई, बात समझ में आ गया ना, तो ये सेकंडों में आप आंसर निकाल देंगे, बोलो क्लियर, ओके। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, बोलो क्लियर हो गया, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, परेशान आपको नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, सामने है सर, क्या लिखा हुआ जरा देखिए, लिखा हुआ सर एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी। मान लीजिए सपोज आपके पास क्या है सर, डायमीटर, लेट सपोज इस तरीके से आपने एक सर्कल ड्रॉन कर लिया। अब आपने कहा कि सर ए बी जे डायमीटर, एक तरफ ए और एक तरफ बी हो गया, ए बी जे डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है सर, रेडियस 5 है, टेंजेंट एक्स ए वाई, मतलब एक आपका टेंजेंट लाइन पॉइंट ए से ड्रॉन हो रहा है, लेट सपोज ये मान लीजिए, तो ये टेंजेंट लाइन हो गया इसका, ये एक्स हो गया, अब ये देखिए एक्स ए वाई बन गया सर, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि ड्रॉन टू ये सर्कल, तो उसकी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी parallel to xy, the length of the chord CD parallel to xy and at a distance 8 cm from A is, अब आगे उन्होंने कहा कि the length of the chord CD parallel to xy, अब ये क्या है, एक chord आपने draw किया जो basically क्या है xy के parallel है, okay sir जी, x y के क्या है parallel chord drawn कर लिया, तो इन्होंने कहा xy and at a distance 8 cm, मतलब यहाँ से जो इसकी total distance है वो 8 cm है, बोलो clear, okay sir जी, अच्छी बात है सर। आगे हमें पूछा क्या 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो हमें बताना क्या सर, हमें बताना लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या बताना सर जी यहां पे, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें बताना इस क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए सर जी देखिए सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं कि एक्चुअल में क्या आने वाला है, ठीक। तो हमें ये लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में बताना है, जरा बहुत ही ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा क्वेश्चंस को। आपके पास ये बिल्कुल क्लियर हो गया, टोटल कितना है 10, आप डायमीटर देखिए, रेडियस कितना सर 5, यहां भी आप एडमिट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया मेरे भैया, यहां से यहां तक का OA क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस तरीके से मतलब आपके पास OA, OD रेडियस, OA रेडियस, तो ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक मान लीजिए सर मुझे E पॉइंट है, तो A से E तक की जो टोटल डिस्टेंस दे रखा वो कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये आपका 5 है, तो इतना निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, 8 में से 5 गया कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन ड्रॉन करते हैं वो कॉर्ड को दो इक्वल भागों में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, किससे कैसे बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, दैट मींस ये 90 डिग्री का हो गया फॉर्मेशन। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल
इंटरनल का देखिए फॉर्मेशन हो गया सर, इंट्रा देखिए आपका OED आपका जो है बेसिकली फॉर्म हो गया। अब OED जो है आप यूज कर सकते हैं, देखो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, अब हमें यदि ये पता चल जाए तो टोटल लेंथ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा भाई, CD पता चल जाएगा। तो इस तरीके से तो हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC। देखो सर पेन अभी नहीं चलाना पड़ेगा आपको, सिखा देंगे लेकिन बस थोड़ा सा पेन चला देगा आपके लिए। तो हाइपोटेनस में क्या है 5 का स्क्वायर हो गया भैया, और इसके बाद आपका देखिए परपेंडिकुलर क्या है सर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लिया। बेस कितना सर जी ED है, आपको यही निकाल है ना भैया। तो 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया, 9 आ गया इधर आएगा तो क्या हो गया -9 हो गया, ED का स्क्वायर हो गया सर। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया भैया 16 आ गया मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर हो गया ED स्क्वायर। दैट मींस आपके पास जो वैल्यू ऑब्टेन हो गया मेरे भैया बहन लोग, तो ED बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको चाहिए था CD लेंथ चाहिए था, आपको बताया गया कि जो CD है वो आपका क्या मींस जो OE लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, दैट मींस ED एंड CE बोथ आर क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपके पास इक्वल होंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता। अब जल्दबाजी भी ऑप्शन पर टिक मत लगा देना, ये ऑप्शन 4 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना था मेरे भाई बहनों, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप क्वेश्चन के तरीके को सीखते चलिए और अच्छे से समझते चलिए, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसे बारीकी से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। अब भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर तो देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। मान लीजिए देखिए सर, मान लीजिए सपोज ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। आप यहां से आपने क्या किया सर, ड्रॉन किया, लेट सपोज ये 2 टेंजेंट्स आपने सर्कल पे क्या कर लिया, ड्रॉन कर लिया, लेट सपोज ठीक। अब इस पे आपने यहां से रेडियस को मीट कर दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन मीट करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है सर जी परपेंडिकुलर होता है, ऐसा आपने ड्रॉन कर लिया। इन भाई साहब ने जरा देखिए क्या लिखा, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री दे रखा मेरे भाई। अभी थोड़ा देर प्रीवियस में मैंने आपको एक बात सिखाई थी, यदि आपको ये बात ध्यान हो कि वो बेसिकली 60 बाइसेक्ट मतलब OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, तो APB का बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मींस हमने कई बार सिखाया है कि टू इक्वल पार्ट्स, दैट मींस ये कितना आ गया 30 डिग्री और ये भी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, क्लियर। तो हमें यहां पे 30 हो गया, आपको ये पता बाय थ्योरम नंबर 1 से OE परपेंडिकुलर AP, तो देखिए 30 90। अब यहां पे सर ये रेडियस कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बोलो क्लियर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या सर जी, जरा देखिए टेंजेंट लेंथ चाहिए मतलब AP चाहिए हमें, क्या चाहिए सर AP और PB, आपको पता है टेंजेंट लेंथ आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप इन ट्रायंगल OAP में बात कर लीजिए, किसमें सर ट्रायंगल OAP, आपको पता है OP कैसा परपेंडिकुलर है, तो आपका ये एक्यूट एंगल ये आपका 90 दैट मींस ये बेस हो गया और सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस, तो आपके पास ये निकालना है। तो आपको पता है कि सर जी टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज कर लीजिए। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट यार, थीटा कितना 30 डिग्री है मेरे भाई बहनों, तो टेन 30 हो गया। परपेंडिकुलर देखिए क्या है सर OA है, बेस कितना है सर जी AP है, बोलो क्लियर हो गया। तो आपका AP इधर आ गया, तो इस तरीके से जो AP इक्वल टू OA कितना है 4 अपॉन टेन 30 कितना होता है भैया 1/√3 होता है, ये देखो 30 इधर चले गए। अब इस तरीके से 4 अपॉन 1/√3, √3 कहां है ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से आ गया 4√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वैल्यू क्या करनी थी सर आपको ऑब्टेन करनी थी, तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया सर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन 4√3 सेंटीमीटर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना था सर आपको सॉल्व करना था, बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर ऑब्टेन करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बोलो क्लियर हो गया। एक छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप बारीकी से देखते चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इन्होंने कहा कि ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, जरा एक छोटा सा मैंने पिक्चर आपको बना दिया है सर जी, तो नाराज नहीं होगा। चलिए सर इसी पिक्चर को थोड़ा सा बड़े में देखते हैं, आपके सामने एक सर्कल है, उसके सामने जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है सर, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए सर, कोई डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो नाराज नहीं होना मेरे भाई, क्लियर है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे सर जी इस तरीके का डायग्राम आपको दे रखा है, ये मान लीजिए सपोज ए बी सी डी मान लीजिए, तो ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ओके सर। अब इन भाई साहब ने कहा सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, और इसके बाद कुछ कह रहा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, उसका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर, लो भाई कितना सर जी 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई बहन, तो 3 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये हो गया ना, टेंजेंट क्या हो गया सर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, क्लियर हो गया। तो ये टेंजेंट की लेंथ मतलब आपको पता है, तो 3 सेंटीमीटर ये आप इसको पूरा मीट कर दीजिए, डायमीटर हो गया सर्कल का, ये ओ पॉइंट हो गया, ए पॉइंट मतलब इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, ध्यान से समझना सर, ई एफ। अब यहाँ पे ई एफ क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, क्लियर। तो ई एफ आप डायमीटर ऑफ सर्कल करोगे तो रेडियस का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, दैट मीन्स 2 into कितना आ गया 3, that means क्या आ गया मेरे भाई बहन लोग 6 सेंटीमीटर आ गया। तो total जो length आ गया आपके पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या है, ये rectangle है, आप let suppose मानते हो तो आपका क्या हो गया rectangle हो गया। अब उस केस में मान लीजिए suppose तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, ये opposite sides क्या होते हैं same होते, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरीके से आप ये इधर देखिए, ये मान लीजिए ये भी तो डायमीटर का लगेगा और ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी आप देखेंगे अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, तो मींस आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 6 सेंटीमीटर बन गया सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आप बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस की क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बोलो आया सर समझ में, यानी कहीं दिक्कत तो नहीं लगा क्वेश्चन, तो ये बस कांसेप्चुअल है, थोड़ा सा बस दिमाग खर्च करना है और ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाना सेकंडों में, आई बस समझ में घंटे मिनटों में नहीं सेकंडों में लगाना है, तभी समझो तुम्हें ऑब्जेक्टिव आता है, अदरवाइज द मिनट लगाने लगे तो मामला गड़बड़ हो, समझ में आया गुरुजी लोग की नहीं, बोलो क्लियर आए समझ में, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा चमत्कारी दिख रहा है भाई सर, अच्छा क्वेश्चन कई बार पेपर में आया था, ठीक है ना भाई, चलो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चंस को, परेशान नहीं होंगे मेरे भाई बहन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपके पास यहां पे 5 में ये कहा गया है कि भाई साहब जो है इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric circles, अब यहां पे बी है 2 concentric circles है, लो बना दिया भाई, अब रेडियाई 2 concentric circles, एक का 6 सेंटीमीटर तो मतलब बड़े वाले का तो भाई 6 सेंटीमीटर ही होगा, ओके सर। इसके बाद एंड जो दिया 4 सेंटीमीटर मतलब इनर वाले का कितना होगा 4 सेंटीमीटर, लो भाई ठीक। अब इस तरीके से क्या है, आगे बोला गया है द लेंथ ऑफ कॉर्ड टचिंग द स्मॉलर सर्कल इज, मींस हम ये अब इस तरीके से लिए, देखो समझिए जरा इस चीज को, ये आपको बताना सर, क्लियर हो गया। तो आपके पास ओ ए बी आप इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मान के इसको भी मिला दो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब एक इनर वाला जो सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, और जो आउटर सर्कल है कॉन्सेंट्रिक का सर्कल मतलब होता है सेंटर कॉमन हो, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो कॉमन सेंटर के वाया डिफरेंट रेडियाई पे जो सर्कल ड्रॉन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे वो कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे जो है सर आपसे ये कहा गया कि जो स्मॉलर सर्कल को टेंजेंट लाइन आपकी क्या करती है, टच करती है, उसका लेंथ बताइए, तो लेंथ मतलब बीसी हमें बताना, आपको यहाँ पे कॉमन, चलिए सर समझने की बात आती है, तो ये टोटल लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर, ये कितना 4 सेंटीमीटर, और आपका ये कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है, और आपने पढ़ा है कि ये OA, OA इस परपेंडिकुलर है, रेडियस एक तो सर्कल का हो गया, और OA जो है बेसिकली आपका जो टेंजेंट लाइन हो गया, और मींस इनर सर्कल पे जो टच कर रही है वो टेंजेंट हो गया उसके लिए, वैसे बड़े सर्कल का कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या टेंजेंट है, तो एक तरीके से उसको क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, क्लियर। तो हाइपोटेनस हो गया मेरे भैया, जरा देखिए ओ इन ट्रायंगल में आप बात करें OAB में, देखो सर ये पेन चलाने की जरूरत नहीं, आपको ओरल भी बता सकते हैं लेकिन हमने हमें बताने के बाद पर आपको सिखाते हैं बेसिक्स, ठीक है ना। तो OA आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर पर, ये आपको पता चल जाए तो अपने आप ही पता चले, जस्ट डबल हो जाएगा भाई, तो आपका हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रसाद के पास चले गए, और 6 का हाइपोटेनस कितना है 6 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना मेरे भाई 4 का स्क्वायर, बेस कितना है सर AB निकालना है मेरे भाई, बोलो क्लियर, 6 कितना हो गया 36 हो गया, 4 कितना हो गया 16 हो गया, स्क्वायर है भाई, क्लियर, और AB का स्क्वायर है मेरे भाई 16, इधर आ गया 36 माइनस कितना हो गया 16, AB का स्क्वायर हो गया कितना आ गया भैया 20 आएगा, 36 में से 16 माइनस कर दिया। अब देखो सर इतना ये टाइम आपको समझाने के लिए, क्लियर है कि नहीं, आप सेकंडों में करेंगे 6 का 36, 4 का 14, 16 और माइनस कर दिया 20 का स्क्वायर, 2√5 आ गया, बोलो क्लियर, जस्ट डबल करके 4√5 आंसर हो गया, फटाक से टिक लगा दे, देखो सर सेकंडों में आपको बता सकते हैं लेकिन फिर भी आपको तरीका सिखा रहे हैं। तो AB मतलब कितना हो गया सर 2√ है, कितना 20 का स्क्वायर कितना होता है 2√5 होता है, क्लियर है या नहीं, बोलो। अब बात आई सर कैसे, तो जरा आपको सिखा दे रहा हूं, देखो सर प्राइम फैक्टर करिए 2 2 = 4 5 = 20, अब यहां पे सर 2 का पेयर है तो 2 स्क्वायर से 12 आ गया,
5 का रूट है इसलिए 2 रूट कितना हो गया 5 हो गया ठीक है अनपेयर्ड है क्लियर। तो सेंटीमीटर AB आपके पास आ गया, आपको पता है कि OE इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ BC क्लियर हो गया कि नहीं, ये थ्योरम नंबर कौन कहता है 1 कहता है। तो इस तरीके से BC बराबर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आपका AB आ जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। तो 2 * 2 रूट 5 सेंटीमीटर और इस तरीके से बन गया 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग सर्कल के क्या है क्वेश्चंस को करते हैं, अच्छी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जहां पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई बहन लोग। बोलो आयो सर समझ में आने क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।